आज हम स्कोडा सुपर TFSI इंजन के बारे में फुल डिटेल्स में टाइमिंग के बारे में समझेंगे, ठीक है? तो आप वीडियो पे बने रहिए, अच्छा तरीका से आपको बताएंगे कैसे कैसे टाइमिंग मिलता है फुल नॉर्मल। आप लोग से गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन नहीं दबाते हैं। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन कैसे गिरेगा? जो भी मैं नया नया गाड़ी के बारे में डालते रहता हूँ आप लोग के पास नहीं पहुँच पाता, इसलिए आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे और ये वीडियो देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हमसे आप पूछ सकते हैं। जो आप कोई भी काम, कोई भी गाड़ी का काम, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो या ट्रांसमिशन के लेके हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं ये काम कैसे होगा, या डायग्नोसिस में हो। मैं ऑल मतलब काम करता हूँ और जानता हूँ, ट्रेनिंग भी बहुत सारा ले चुका हूँ, तो इसलिए आप कमेंट भी कर दिया कीजिएगा। कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा हर चीज़, और सही रिप्लाई दूंगा जो जैसे सही तरीका क्या है, ठीक है? तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, टोटल 85 गो इसका दांत होता है, जिसमें 3 गो मार्का होता है, क्रैंक से एग्जस्ट 36 गो दांत होता है, इग्नेट से क्रैंक 37 गो होता है, इग्नेट से एग्जस्ट 9 गो रहता है। मार्का हटा के मिलाना है, ठीक है? ये हो गया आपको वाटर पंप और वेट और क्रैंक तीनों का टाइमिंग। ये आपको यहाँ रोक के रखे हुए हैं जो कि पता चले आपको, गिन के आप बगैर मार्का का आप कर सकते हैं इसको देख के, ठीक है? ये वाटर पंप का मार्का है, वाटर पंप का मार्का है, ये क्रैंक का और केम का मार्का है जिस पर उंगली रखे हुए हैं वो। ये आपका वाटर पंप और वेट का मार्का हो गया, ठीक है? ये क्रैंक और केम का मार्का दिख रहा है, ठीक है? ये उंगली जो रखे हुए हैं वो, और देख लीजिए थोड़ा साफ से, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। ये आपको ऊपर वेट का टाइमिंग है, देख रहे हैं कट और मार्का दोनों दिख रहा होगा। इधर देख लीजिए वाटर पंप का मार्का और बिंदु, बिंदु है उस पर टाइमिंग होगा, यहाँ पर इसका तीर का निशान, एरो का निशान, ठीक है? अब थोड़ा अच्छा से रोक देते हैं जो आपको पता चले कि कैसे है, ठीक है? आप समझ गए होंगे अच्छा तरीका से इसका टाइमिंग के बारे में। एक बार और रिपीट कर देते हैं हम, दिख रहा है ये बिंदु, उसके बाद आपको क्रैंक का भी देख लीजिए, उसके बाद बेट का भी देख लीजिए, ठीक है? आप ऊपर की देख लिए, यहाँ ये मरका इस जगह पर जाएगा, ये भी दिख रहा होगा, ये कट के सामने ये मरका होना चाहिए इसका, इग्नेट केम का। एग्जस्ट केम में देखिए, एग्जस्ट केम में देख रहे हैं ये मरका ऊपर रहना चाहिए और ये मरका पर ये रहना चाहिए, ठीक है? उसके बाद दिखाते हैं नीचे दिखाते हैं, दिख रहा होगा इसके, इसको हटा के आपको दिखाते हैं, दिख रहा है ये, इसके सामने वाला जो ये है, ये इसी में बैठेगा, इसके सामने वाला, ठीक है? इसमें हम बैठाते हैं इसको, देख रहे हैं सामने दिख रहा है, इसमें बैठ गया, उसके बाद आप इसको टाइट करते हैं, ठीक है? देख लीजिए, इसको तो मैं फंसा दिया हूँ, यहाँ पर जो बताए थे वो प्लेट में जो पिन लगा रहता है वो पिन यहाँ पर फंसता है, और यहाँ पर देखिए ये लगेगा, ये कितना नंबर टूल्स है ये दिखा देते हैं आपको, दिख रहा होगा आपको, दो बोल्ट इधर राइट साइड में होता है और एक बोल्ट उधर, इसमें एक बोल्ट रहता है, ठीक है? M10 ही इसमें टूल्स लगेगा, दिख रहा होगा। उसके बाद एक दो बोल्ट इधर रहता है, एक नीचे एक इधर और एक इसमें, ठीक है? और यहाँ पर एडजस्टर
टेंशन टाइट होगा, ठीक है। उसके बाद हम टाइट करके दिखाते हैं, ठीक है। नीचे भी दिखा देते हैं थोड़ा एक बार, देखिए नीचे नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पर टेंशन टाइट होगा इसमें, ठीक है। ये टेंशनर दिख रहा होगा, टेंशनर यही टेंशनर लगाना चाहिए। उसके बाद टाइमिंग घसका तो नहीं, वो देख लेते हैं, कभी कभी घसक जाता है, देख रहे हैं सीधा है, परफेक्ट है। देख लीजिए मैंने तो टाइट कर दिया हूँ, दिख रहा होगा। अंदर का भी टाइमिंग देख लीजिए, ये क्रैंक का और ये बेट का और ये वाटर पंप का, ठीक है। अंदर का भी दिख रहा होगा, अच्छा तरीक़ा से दिख रहा है। उसके बाद ये ध्यान रखना, ये ने मतलब ये अंदर वाला जो भागा है गियर जो है वो इसका टाइमिंग है, ठीक है, अंदर का टाइमिंग, और ये बेट का मार्का है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको बेट का। ये देख रहे हैं एडजस्टर ऑटो ट्रांसमिशन टाइट हो गया इसमें, इसमें 30T लगता है, देख लिए 30T नहीं 27T लगता है, 27T लगता है इसमें, और इसमें सब M10, इसमें सब टोटल, इसमें जो है M10 का टूल्स लगेगा। ये सब टोटल टाइट हो गया है, देख रहे हैं, ऊपर दिखाते हैं इसका भी टाइमिंग देख लीजिए आप, दिख रहा होगा अच्छे तरीक़ा से। ये मरका के सामने ये मरका होना चाहिए, ठीक है, इसके ठीक सामने, ठीक है। ऊपर का दिखाते हैं, दिख रहा है, ये टाइमिंग भी देख लीजिए, मरका के हिसाब से है, ये भी मरका के हिसाब से है, दिख रहा होगा। ये छोटा सा दागी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी थोड़ा एक मरका है, हल्का छोटा सा मरका दिख नहीं रहा है, फ्लश के चक्कर में दिख रहा है ये, इसके सामने ये, और ये तो बड़ा कट दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यही एग्जैक्टली जो है ना यही होना चाहिए, ठीक है, ये और ये देख रहे हैं, ये भी टाइट हो गया, ये भी टाइट हो गया, और नीचे भी टाइट हो गया, ठीक है। अब टाइमिंग कंप्लीट, अब इसका हम प्लेट लगाते हैं, ठीक है। प्लेट लगाने का तरीका बताते हैं कैसे लगेगा। देखिए मैं प्लेट टाइट कर दिया हूँ, और नीचे आप बताता हूँ कि वाल पंप का चैन कैसे फिट किया जाता है। देख लीजिए ये चैन में कोई मरका उरका नहीं रहता है, ये बगल में आपको पत्ती दिख रहा है, इसको थोड़ा पुश करके इसको लगाया जाता है या खोला जाता है, हल्का पुश कीजिएगा ये निकल जाएगा और लग जाएगा, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखिए जो वाल पंप का कोई मरका उरका नहीं होता है, कोई एरो तेरो इसका कोई टाइमिंग ही नहीं होता, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।